लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अम्बाला में टमाटर लगभग 180 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं 10 रुपए किलो बिकने वाली घिया और शिमला मिर्च 60 से 100 रुपए किलो हो गया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बाढ़ के कारण ये स्थिति हो गई है, कुछ दिनों में रेट ठीक हो जाएंगे। ज्यादातर सब्जियां हिमाचल से आती हैं, लेकिन ज्यादा बरसात के कारण वहां से सब्जियां नहीं आ रही हैं। सब्जियों के रेट जो हैं वो आजकल थोड़े अप हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और बाढ़ का भी हर तरफ प्रभाव है, जिसकी वजह से सारी सब्जियों का मंडी में पूरी तरह से ना आना, खेतों में फसल का टूट ना पाना, और इसी वजह से लोग हर महीने लगभग इन दिनों में हमेशा ऐसा ही होता है, जो महीना सवा महीना जो बरसात का होता है उसमें सब्जियों का अप डाउन रेट चला रहता है। इसमें कई बार सब्जियां बच जाती हैं, मौके पे पहुंच नहीं पाती, सड़ जाती हैं, वो भी कारण बनता है एक बार महंगाई का। सब्जियां लगभग जो हैं शिमला मिर्च, बीन, पहाड़ी आलू, ये सब पहाड़ की आइटमें हैं, पहाड़ से रास्ते बंद होने के कारण बाढ़ के, इस वजह से ये सारी चीज़ों का रेट जो है लगभग 20 से 50 रुपए किलो महंगा हो जाता है। टमाटर लगभग 130-140 रुपए है, और परचून में लगभग 80-200 रुपए, 180-200 रुपए दे रहे होंगे, मंडी का रेट 130-40। झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में क्लर्क कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने शहर की सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये लगातार जो हरियाणा में हमेशा जो तमाम महकमों के क्लर्क हैं वो लगातार अपनी यह अनिश्चितकालीन स्ट्राइक में बैठे हैं, और सर्व कर्मचारी संघ की कॉल है 12-13-14 को पूरे हरियाणा में तमाम महकमों के क्लर्क बिल्कुल अपना काम का बहिष्कार करते हुए राज्यव्यापी स्ट्राइक कर रहे हैं, और सर्व कर्मचारी संघ चाहे किससे कौन से भी अपने डिस्ट्रिक्ट की बात हो, सर्व कर्मचारी संघ हमसा के साथ कंधे से कंधे मिला के हुए इनकी लड़ाई को बखूबी लड़ रहा है। आगे हमसा जो भी काल देगी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कंधे से कंधा मिलाते हुए इनकी लड़ाई को मैं भागीदारी करेगा। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात भी प्रभावित हो गया है। वहीं सोनीपत में हरियाणा रोडवेज की 8 बजे के बाद दिल्ली जयपुर आगरा की तरफ जाने वाली बसों के परिचालन को रोक दिया गया है। सुबह के वक्त दिल्ली की तरफ जाने वाली बसों को कुंडली बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। वहीं दिल्ली में ISBT को भी बंद कर दिया गया है, जिससे 25 बसों का टाइम प्रभावित हुआ है। अपने अन्य रूटों पर न जाने के कारण रोडवेज का एक दिन का 5 लाख का नुकसान हो रहा है। सोनीपत डिपो से कितनी बसें आज निकाली गई और कितनी बसें बंद हैं, कौन कौन से रूट बंद किए गए हैं, किस कारण से बंद किए गए हैं? सर, ये हमारे यमुना जल स्तर बढ़ रहा है, इस कारण सुबह तो हमारी बसें निकल गई थी, उसके 8 बजे बाद 20-25 गाड़ियों के हमारे टाइमिंग सेट नहीं हो सके, तो बॉर्डर से कोई बाईपास से प्रशासन वापस कर दिया। किस कारण से ऐसा माना जा रहा और कब तक ये बंद रहने वाले? ये सरकार के अगले आदेशों तक प्रभावित रहेंगे, ये आदेश आएंगे गाड़ी चला। सर, एक बार नाम और पद बता दें। सर, गजेंद्र सिंह, कार्य निरीक्षक सोनीपत। पलवल हथनी कुंड बैराज और ओखला बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते पलवल जिले के कई गांवों के किसानों की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि गन्ना, धान, मूंग, ज्वार, बाजरा और सब्जियों की फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई है, सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे। इससे गांव के हमारे किसानों को काफी दिक्कत है, काफी महंगे महंगे पट्टे लिए हैं किसानों ने। लगभग हमारे गांव की 1000 एकड़ जमीन यमुना नदी के कटाव के कारण खराब हो चुकी है, जिससे हम प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन किसानों को कम से कम 50,000 का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इनकी खानपूर्ति हो सके। ये तो हमने भी मुनादी करवाई। झज्जर के गांव रूडीवास में अनावश्यक खड़े बिजली के खंभे के नीचे दबने से 8वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, आगे की जांच की जा रही है। बता दें कि मृतक दो बहनों का इकलौता भाई था। भाई, ये गाँव रूडीवास का मामला, इसमें एक 13 साल का बच्चा स्कूल में जाने के लिए अपने घर के सामने खड़ा था, जहाँ एक अनावश्यक बिजली का पोल खड़ा हुआ था जो अचानक गिर गया, जिससे उसकी चोट लगने से मौत हो गई। क्या नाम था बच्चे का? सोहित सन्नोप धर्मेंद्र। कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 8वीं कक्षा में पढ़ता था। इसके बयान पे कार्रवाई हुई थी? ये भाई इसके दादा है ना, दादा के बयान पे हुई है। पोस्टमार्टम करा दिया? कार्रवाई चल रही है पोस्टमार्टम में। सत्य
सटीक बेबाक।